हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है सोहेल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और स्वागत है आपका जीएस स्टडी में। तो इतने दिनों बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में, उसका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। ओके, प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति क्या होता है? वनस्पति होती है पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसमें पेड़ आ गए और पौधे भी आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति वह होती है वे पेड़ पौधे जो ऑटोमेटिक उगते हैं, जो पर्यावरण द्वारा ही उगते हैं, जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, जिसे जंगलों में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। ओके, और जो हम खेत में उगाते हैं, खेत की मेड़ के चारों ओर जो पेड़ उगाते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह मानव द्वारा उगाई जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो ये पांच प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है भारत में मुख्य रूप से। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं वनस्पतियों के बारे में। जो जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ उसे अपने कॉपी में उतारते ही जाना, आज मैं नोट्स बनाकर नहीं लाया हूँ। तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है वह वर्षा का अनुसरण करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ जैसी वर्षा होगी वहाँ पर वैसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रही थी वहाँ पर उस प्रकार से वनस्पति पाई जाएगी, जहाँ कम वर्षा हो रही है वहाँ पर अलग वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, वनस्पति भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि वर्षा के आधार पर उसमें वितरण होता है। ओके, तो भारत में जहाँ अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा, जैसे मान लो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधी वर्षावन। ओके, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो वहाँ पर उष्णकटिबंधी वर्षावन पाए जाएंगे। इसे कंसिडर नहीं कीजिएगा, पहले का लेक्चर है। तो मैं जो ये यहाँ पर जो मैं दिखता जा रहा हूँ उसे ही आप देखते रहिएगा। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? और यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका कोरोमंडल तट। और ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और कुछ एरिया जो है यहाँ पर भी पाया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, शिलांग का पठार है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर शिलांग का पठार में, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है हमारा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत का जो आगे का हिस्सा है, ये वाला, घाट पर्वत का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पर्वत है, ऐसा पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ हो गया हमारा। तो इसका जो पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। लेकिन इसका जो पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग से जो लगा हुआ भाग है, क्या बोलेंगे इसे? वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। क्यों कम होती है? ये जाकर पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं। कौन से? वृष्टि छाया क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक का कुछ भाग आ जाएगा, महाराष्ट्र का आ जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे हम ये सभी, लेकिन अभी हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन पढ़ रहे हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहीं पर होती है, पूर्वी जो इसका ढाल है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, यहाँ पर नहीं होती है वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, मतलब कि जो हो गया ये हमारा पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान पर पाई जाती है हमारे, कौन सी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। साथ ही साथ हमारे कोरोमंडल तट पर भी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत जो है पूरा पहाड़ों से ढका हुआ है, तो यहाँ पर
लेकिन इसके अलावा ये जो कोरोमंडल तट है ये पहाड़ यहाँ पर नहीं है, यह एक समतल तटीय मैदान है। तो क्या कर दिया यहाँ पर लोगों ने, जो हमारे वन थे उष्णकटिबंधीय वर्षावन उनको अधिकतर काट कर खेती करने लग गए हैं। तो यहाँ पर जो वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं उनका जो क्षेत्रफल है वह पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनके क्षेत्रफल से कम या फिर घने नहीं है। ओके, तो भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, हमारा अभी कुछ महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हो गए जहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ में क्या क्या आएंगे, कीकर, खेर, बबूल का झाड़ भी आ गया इसमें, नागफनी मेन इम्पोर्टेंट है जो आप सभी जानते हैं, नागफनी आ जाती है। ओके, तो वनस्पति का एक महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि वह अपने आप को जल की उपलब्धता तथा पर्यावरण की दशा के आधार पर अपने आप को ढाल लेती है। जैसे जहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, वहाँ पर पानी की बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध है, तो वहाँ के जो वन रहेंगे उनकी जो पत्तियाँ रहेगी चौड़ी रहेगी, चौड़ी रहेगी, अच्छी चौड़ी रहेगी, ताकि जो है वह वाष्प का उत्सर्जन अधिक से अधिक कर सके। ठीक है, तो वहाँ की पत्तियाँ जो है, वहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ जो है चौड़ी रहती है ताकि वह वाष्प का उत्सर्जन अधिक से अधिक करते रहें, जिससे वह नमी को उस वातावरण में बनाए रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत जहाँ पर कम वर्षा होती है, मान 75 सेंटीमीटर से कम प्रतिवर्ष का ले रहा हूँ ये डाटा, 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से कम होती है अगर वर्षा, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी नहीं होती है, वो जो चौड़ी जो नहीं होती है जिस वो जो है कांटों में तब्दील हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा बबूल में भी कांटे होते हैं, नागफनी में भी कांटे होते हैं, नागफनी में तो कांटे ही कांटे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो उस क्षेत्र की जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं वह जो कांटों में तब्दील हो जाए ताकि वाष्प का उत्सर्जन कम से कम हो और जिससे जल की कमी को रोका जा सके। ओके, और इसके साथ ही अब हम वो पढ़ेंगे जहाँ पर वर्षा न ज़्यादा कम होती है न ज़्यादा अधिक होती है, मतलब 75 से 200 के बीच में होती है, 200 है और 75 है। ठीक है, तो 200 से 75 के बीच में जो होती है, 75 से कम होगी तो कटीले वन झाड़ियाँ पाए जाएंगे, 200 से अधिक होगी तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन दोनों के बीच में अगर वर्षा होगी तो कौन से वन पाए जाएंगे, पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन पाए जाएंगे। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर इस रेंज के बीच में वर्षा होती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र हो गया, हरियाणा हो गया, और ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं, जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। क्योंकि ये जो वन होते हैं इन्हें पतझड़ वाले वन क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यह पानी की कमी को, पानी जो गर्मियों के सीजन में जो कम हो जाता है तो उसकी कमी को रोकने के लिए अपनी पत्तियां जो हैं गिरा देते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप इसी एरिया के आसपास में रहते हैं तो लगभग फरवरी के आसपास जो पत्ते जो हैं पेड़ों से गिरने लगते हैं, तो वो इसी कारण से गिरते हैं ताकि गर्मियों में जो है पानी की कमी को रोका जा सके। ओके, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन, पर्णपाती इसलिए क्योंकि ये अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पर्वतीय वन के ऊपर, जो पहाड़ों पर या मतलब जो हिमालय पर वनस्पति पाई जाती है उनके वो बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो पर्वत में, जो पर्वत के ऊपर ये हो गया हमारा पहाड़, इस पर जो वनस्पतियाँ पाई जाती है यह वर्षा के आधार पर नहीं पाई जाती, ये जो है हाइट के आधार पर, मतलब जिस जितनी हाइट होगी वहाँ पर अलग वनस्पति, और अधिक हाइट बढ़ेगी तो अलग वनस्पति, और अधिक बढ़ेगी तो अलग वनस्पति, इस प्रकार से जो है यहाँ पर अलग अलग वनस्पतियाँ ऊंचाई के आधार पर मिलती है। ठीक है, अधिक हाइट बढ़ेगी जैसे हिमालय है, हिमालय के क्षेत्र में कुछ ऊंचाई पर जैसे तो हिमालय क्षेत्र में हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती है, सीमित दूरी में ही हमें अलग अलग वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, हिमालय के जो तराई क्षेत्र होता है, ये जो तराई क्षेत्र है नीचे का पेड़ से जुड़ा हुआ इसका जो क्षेत्र है, और या तराई क्षेत्र जो, इसे तराई क्षेत्र बोलते हैं हिमालय का, मतलब जो पाद से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है,
सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर इससे थोड़ी और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें कौन से शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं जिनमें देवदार आता है। और उससे और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें कौन से कोणधारी वन मिलते हैं। और इससे और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत ठंडा क्षेत्र हो जाता है तो यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, टुंड्रा या अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठंडी ज़्यादा अधिक हाइट पर जो है तो बहुत ही ठंडा इलाका हो जाता है तो वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। बहुत कम वनस्पति जो क्षेत्र रहता है उसे टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। इसी के साथ साथ भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप है यहाँ पर स्थित है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर क्या है सदाबहार वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 75% जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में भारत में। ठीक है, तो अब कल हम पढ़ेंगे भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के वन या वनस्पतियाँ पाई जाती है। वन और वनस्पति दोनों में फर्क है लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के हिसाब से ताकि आप कन्फ्यूज ना हो वनस्पतियाँ लिख दिया, वन लिख दिया है। ठीक है, 5 प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है, कौन कौन से? उष्णकटिबंधी वर्षा वन, सेकेंड है उष्णकटिबंधी मानसूनी वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वती वन और ज्वारी वन या मैंग्रोव वन। सबके बारे में हमने अभी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब अगले लेक्चर में हम इन सब के बारे में विस्तृत से जानेंगे। ओके, मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।